रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के नरपतगंज चौकी के अंतर्गत आने वाले कुड़वल गांव में बीते 3 सितंबर को चचेरे भाई बहन का शव जंगल में मिला था, जिसमें बच्ची 19 अगस्त को गायब हुई थी। वहीं बच्चा 2 सितंबर को गांव के बाहर मैदान से गायब हुआ था। दोनों की हत्या का खुलासा करते हुए रायबरेली पुलिस अधीक्षक ने घटना को अंजाम देने के जुर्म में उनकी ही चचेरी बहन को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से वारदात में प्रयोग किया गया हसिया भी बरामद किया गया है। आरोपी युवती को मानसिक रोगी बताया जा रहा है। खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। क्या किया था आपने? काली अम्मा दिमाग नहीं काम कर रहा था, लड़का मारे ना। किसको किसको मारा था आपने? लड़का का। कब उसका अपहरण किया था? कैसे किया था आपने? दिमाग नहीं काम कर रहा है। कैसे मारा था? किस तरह घटना को अंजाम दिया था? क्या किया था सबसे पहले? क्या से मारा था सर। उसकी बहन को ऐसे सर। कोई पुरानी बात को लेकर, किस चीज को लेकर मारा था? ऐसे सर के क्या लगते थे आपके दोनों? बताते चले कि जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के नरपतगंज चौकी के कुड़वल गांव में 3 सितंबर को गांव के ही करीब के एक जंगल में पुलिस ने एक बच्चे दीपक का शव बरामद किया था। उससे कुछ ही दूरी पर एक बच्ची का शव और कंकाल भी बरामद हुआ। कंकाल की पहचान रूबी के तौर पर की गई, जो मृतक दीपक की चचेरी बहन थी और 19 अगस्त को गायब हुई थी। दोनों शव के मिलने से हलकान रायबरेली पुलिस के उच्चाधिकारियों ने मामले के जल्द खुलासे के लिए एसओजी महिला थाना व लालगंज पुलिस की टीमों को लगाया। सभी टीमों ने मिलकर मामले की गहनता से पड़ताल की तो शक की सुई मृतकों की चचेरी बहन श्यामकली की ओर घूमी। टीमों ने जब श्यामकली से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि रूबी को वो अपने साथ जंगल में ले गई और गला दबाकर उसकी हत्या कर उसका शव वहीं छिपा दिया। वहीं दीपक जब अपने साथियों के साथ मोबाइल देख रहा था तो उसे घास का ढेर उठाने के बहाने ले गई और उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मरा तो अपने पास मौजूद हसिये से उस पर वार कर उसकी हत्या कर शव को ही झाड़ियों में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल हसिया भी बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई की माने तो आरोपी मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज भी घर वालों ने कराया था। वो अपने को असुरक्षित समझती थी, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल खुलासा करने वाली टीम को 25,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए, ये ग्राम कुंडवल है थाना लालगंज का, जहाँ से एक एक करके 2 नाबालिग बच्चे गुमशुदा हुए थे। बाद में सघन तलाशी के बाद 2 दिन पूर्व इनकी डेड बॉडीज़ गांव के ये जंगल में मिली थी। इस प्रकरण में जब हमने बहुत गहनता से पूछताछ की, पड़ताल की, तो ये जो बच्चे थे ये चचेरे भाई बहन थे और इन्हीं की बड़ी चचेरी बहन श्यामकली, जो कि कुछ मानसिक रूप से अस्वस्थ भी थी, जिनको कभी कभी एक तरीके से मैं कहूँगा कि असुरक्षा का महसूस होता था अपने प्रति, इनके द्वारा ये घटना कारित की गई और इनके द्वारा कन्फेस भी किया गया अपने परिजनों की उपस्थिति में कि बारी बारी से बच्चों को इनके द्वारा घास काटने, लकड़ी काटने के बहाने ले जाया गया और एक एक करके गला घोट के हसिया से वार करके मार दिया गया। इसी क्रम में हसिया भी बरामद हुआ है। हमने इस अभियुक्ता का मेडिकल परीक्षण कराया है, जनरल परीक्षण भी और साइकोलॉजिकल परीक्षण भी,
ये एक साइकोलॉजिकली एंग्जाइटी डिसऑर्डर की मरीज़ हैं और अग्रिम जो रिपोर्ट है इनके संबंध में वो भी हम लोग लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकली रूप से डिप्रेस थी और उसी क्रम में इनके द्वारा एक एक करके घटना कारित की गई और आगे भी संभावना थी कि ऐसी और घटनाएं कर सकती थी, तो सही समय पे इनको पकड़ा गया और अभी इनका उपचार करा के मेडिकल परीक्षण करा के इनको जेल भेज दिया गया। सर अगला टारगेट क्या था, क्या बात सामने आई? देखिए जब हमने इनसे बहुत सख्ती से पूछताछ की तो दो बच्चों को तो ऑलरेडी हत्या कर चुकी थी अपने चचेरे भाई बहन, और जब हमने पूछा तो उन्होंने बात को स्वीकारा है कि इनके बाद ये अपने छोटे सगे भाई मिलन जो कि 13 वर्ष का बच्चा है उसकी हत्या करने लगा। तो कहीं ना कहीं ये एक आप सिंपल भाषा में कहें तो साइको किलर हाँ और के रूप में इनका मानसिक रूप से इनको ये था दिक्कत थी और बाकी कोई उद्देश्य इसमें निकल के नहीं आया, बेसिकली मेंटल डिस्टर्बेंस होने की वजह से इन्होंने किया, यही अब तक संज्ञान में आया। रायबरेली में जहां एक दिन में 3 हत्याओं होने से पूरा रायबरेली दहल गया था, वहीं पुलिस ने 2 हत्याओं का अनावरण किया जो रायबरेली के लालगंज कोतवाली के कुड़वल गांव की थी। उस घटना में बताया गया कि बीते 19 तारीख को एक बच्ची का अपहरण किया जाता है, फिर उसके बाद उसके ही चचेरे भाई का 1 तारीख को अपहरण किया गया। उस अपहरण के बाद जब बच्चे का शव बरामद हुआ तो कई पड़ताल करने के बाद कई सुराग हाथ लगे और उसी बाग में जो गांव के नज़दीक में था उसी बाग में उस बच्ची का भी शव बरामद हुआ। दोनों शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू हुई और परिजनों का भी आरोप एक युवती पर लगा जो घर की ही युवती थी और आखिरकार पुलिस की सुई सही जगह पहुंची और वही युवती हत्यारोपी निकली जिसका अनावरण आज रायबरेली पुलिस अधीक्षक ने किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ में उस युवती ने बताया जो हत्यारोपी है वो मानसिक रूप से बीमार चल रही है और मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही है और यही एक कारण था कि उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। और आगे की कड़ी की बात की गई जब पुलिस अधीक्षक से तो उन्होंने बताया कि अब इसका जो अगला टारगेट है वो इसका ही सगा छोटा भाई है, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान होने के कारण ही इस प्रकार के जघन्य अपराध को अंजाम दिया इस हत्यारोपी ने, जिसका अनावरण बीते 36 घंटे में ही रायबरेली की एसओजी टीम व स्थानीय पुलिस व कोतवाली सदर कोतवाली व महिला थाने की पुलिस व रायबरेली की पुलिस ने एकजुट होकर किया। अखिल श्रीवास्तव, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।